नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित आपका होस्ट और आप देख रहे हैं एक्सप्लोर विद अमित। और आज हम चला रहे हैं महिंद्रा की टीवी 300। और मैं आपको, ये मेरी कार है और मैंने पहले भी इस पर वीडियो बनाया हुआ है और मैं आज आपको एक्सपीरियंस शेयर करूंगा अपना ड्राइविंग का, बल्कि सिटी ड्राइविंग का। अभी हम चल रहे हैं लखनऊ की रोड्स पे। आगे अगर मैं कहूँगा मेरे अपने करने में चाहिए तो ये जैसे रोड्स हैं लखनऊ के रोड्स पे, तो जैसे ड्राइवेबिलिटी की बात करते हैं, ये देखिए आप गियर जो है काफ़ी अच्छे से मैं इसको होल्ड कर सकता हूँ। ये आर्म रेस्ट है, बहुत ही अच्छे से यहाँ पे हाथ रखने के लिए आराम है, तो बहुत अच्छी सुविधाएं हैं इस गाड़ी में। और स्कॉर्पियो के चैसी में ये गाड़ी बेस्ड है, तो काफ़ी ऊँची है इसकी हाइट और सिटिंग स्टैंड जो है एसयूवी वाला, प्रॉपर एसयूवी वाला स्टैंड है। हालांकि ये सब 4 मीटर कार है, बट आपको ऐसा लगेगा कि प्रॉपर एसयूवी चला रहे हैं। अगर आप 5 सीटर यूज़ करते हैं तो एज अ 5 सीटर इसको यूज़ करते हैं तो बहुत ही अच्छी एसयूवी है ये, और रियल एसयूवी है। जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में भी बोला कि आजकल जो है कॉम्पैक्ट एसयूवीज आ रही हैं, वो कॉम्पैक्ट एसयूवी ज़रूर हैं बट वो प्रॉपर एसयूवी नहीं कह सकते हम उसको। ये रियर व्हील ड्राइव है और इसका सीटिंग पोजिशन काफ़ी अपराइट है, जैसा कि आप देख सकते हैं मैं बैठा हुआ हूँ काफ़ी अपराइट है। और इसमें हाइट, सीट हाइट एडजस्ट कर सकते हैं ड्राइवर की आप तो। और इसका सस्पेंशन भी काफ़ी, बहुत हार्ड नहीं मैं कहूँगा, बहुत सॉफ्ट भी नहीं है, बैलेंस्ड है सब इसका सस्पेंशन। तो जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी ट्रैफिक है, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक, तो ऐसे में भी आपको गाड़ी चलाने में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसका व्यू बहुत अच्छा आता है, तो हम आगे भी अच्छा व्यू ले सकते हैं। और एवरेज भी इसका, आप सिटी की मैं बात करूँ तो सिटी में भी मुझे 13-14 का एवरेज देती है आराम से, तो बहुत ही अच्छी कार है, एसयूवी है सॉरी, बहुत ही अच्छी एसयूवी है ये। तो ऐसी मुझे, मैंने सोचा आज आपको वीडियो दिखाता हूँ ड्राइविंग का, कैसे सिटी में ड्राइव करने में क्या फील आता है। इसमें मैंने एक अलग से अपना एक मॉनिटर लगवाया, इसमें वो नहीं आता है, हमारा बैक कैमरा नहीं आता है, तो मैंने इसको अलग से इंस्टॉल करवाया है। सेंसर्स आते हैं इसमें, इसमें सेंसर्स में आपको दिखेगा, बट कैमरा नहीं आता है इसमें, तो मैंने कैमरा अलग से इंस्टॉल करवाया और उसका मॉनिटर लगवाया डैशबोर्ड पर। तो कुछ मॉडिफिकेशन आप कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा है, इसको चलाने में काफ़ी मज़ा आता है सिटी में भी, हाईवे पर तो आता ही है और सिटी में भी अच्छा है। अगर आप ड्राइविंग के शौकीन हैं तो आपको बहुत अच्छा लगेगा इस गाड़ी को चला के, काफ़ी अच्छा पिकअप है, टॉर्क 240 Nm का टॉर्क है इसमें, तो पिकअप अच्छा है इसका। 2 मोड्स हैं इसमें, एक हमारा नॉर्मल मोड है चलाने का, इको मोड जिसको हम कह सकते हैं, और एक हाई परफॉर्मेंस मोड है। तो वो मोड अगर आप हाई परफॉर्मेंस पे चलाते हैं तो बहुत अच्छा पिकअप मिलेगा आपको, और नॉर्मल में भी आपको पिकअप ठीक ठाक मिलता है, बट अगर आपको बहुत ही अच्छा अमेजिंग पिकअप चाहिए, एंथुसियास्टिक पिकअप चाहिए, तो नॉर्मल मोड पे ही आप चला सकते हैं। मतलब नॉर्मल मोड का मतलब पावरफुल मोड, इको मोड पे नहीं, इको मोड पे आपको माइलेज अच्छा मिलेगा। तो बस मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ और होप टू सी इन माय वीडियो अगेन, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डू हिट द लाइक बटन, ताकि मैं ऐसे ही वीडियोज आपके लिए और डालता हूँ जो रियल लाइफ सिनेरियो में रियलिस्टिक प्रैक्टिकल वीडियोज हैं, जो कि जिससे आपको हेल्प मिले। प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा चैनल। ये था एक शॉर्ट वीडियो TUV 300 महिंद्रा की, जो कि मैं यूज़ कर रहा हूँ और मैं इससे काफ़ी सेटिस्फाइड।